केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दी नूह जिले को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात, किया 9 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 3 परियोजनाओं का शिलान्यास। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को लघु सचिवालय नूह स्थित मीटिंग हॉल में 12 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर तकरीबन 127 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इन परियोजनाओं में सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेकर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से नूह शहर को जोड़ने वाले बाईपास, CHC भवन, फिरोजपुर झिरका, उजीना ड्रेन इत्यादि परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की सौगात हरियाणा के सबसे पिछड़े नूह जिले को मिलने के बाद विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। उपरोक्त दर्जनभर परियोजनाओं में 9 का उद्घाटन तथा 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा किया गया। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने जिले के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बैठक ली तथा केंद्र व राज्य सरकार की चल रही योजनाओं के बारे विस्तार पूर्वक चर्चा कर योजनाओं का रिव्यू किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यह जिला नीति आयोग की पिछड़े जिलों की सूची में शामिल है। इस जिले को विकास की पटरी पर लाने के लिए अधिकारी व कर्मचारी अपना पूर्ण सहयोग करें, तभी इस जिले को तेजी से विकास की पटरी पर लाया जा सकता है। मेवात के लिए एक अच्छा दिन है कि एक तो कई महीनों के बाद, सालों के बाद यहाँ पर दिशा की मीटिंग आज के दिन आयोजित हो रही है और इस दिशा की मीटिंग के अलावा आज मुख्यमंत्री जी ने भी गुड़गांव से अनेक कार्य, जिनमें मेवात के भी कई काम है 15-20, कुछ का उद्घाटन किया है और कुछ का शिलान्यास रखा है और गुड़गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने ये सौगात दी है। इसके अलावा जो हमारी 1992 के अंदर 73rd और 74th अमेंडमेंट थी, उसके विषय के अंदर भी मेवात के अंदर एक मीटिंग हम लंच के बाद करेंगे, जो कि महिलाओं को, पंचायत समितियों को, ब्लॉक समितियों को, जिला परिषदों को, म्यूनसिपल कमेटीज़ को पूरा तौर के ऊपर अख्तियार मिले, उसके बारे में आज के दिन वो भी चर्चा होगी। तो मैं समझता हूँ मेवात एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और पिछले 2-4 साल के अंदर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची हमने बांधी थी, उनमें से हम कभी कभी चयन करते हैं कि कौन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किस ज़िले का है और उस चयन के अंदर इस साल मेवात भी शामिल है। तो 100 में से 4 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के DCs को दिल्ली बुलाया गया है प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने बेहतरीन काम पिछले दिनों के दौरान और ख़ास तौर के ऊपर कोविड के दौरान भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि मेवात के लिए ये अच्छा दिन है कि इसकी रिकग्निशन न केवल दिल्ली वालों को है बल्कि सारे हिंदुस्तान के अंदर ये पता चल जाएगा कि मेवात के अंदर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं।